That in this calling unto which the Lord has called us. और हम सब जानते हैं कि इस बुलाहट में जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है. We do come across many, many conflicts and battles. हम बहुत से संघर्षों में और युद्धों के का सामना करते हैं. We have come across many battles in our lives. और बहुत से युद्धों का सामना अपने जीवन में हमने किया है. Many times we have recognized these conflicts between us and those who are not walking this way. और बहुत सी बार उसकी सलाहों को हमने पहचाना है हमारे बीच में और उनके जो इस मार्ग में नहीं चलते हैं. We have experienced this. इसका अनुभव हमने किया है. This conflict between us and those who do not walk this way. Those who do not know the Lord and those who are not familiar with this way of the Lord in their lives. और ये संघर्ष उनके साथ और हमारे बीच में वो जो के प्रभु को नहीं जानते और जो उसके वचनों को नहीं जानते उस पर चलते नहीं है. And we know that this difference is so visible in the outward. और हम जानते हैं कि ये अंतर जो है बाहरी रूप से
बहुत ही दृश्य है. एंड वी रेडिली एक्सेप्ट दिस इन अवर लाइव्स. और हम इसको अपने जीवनों में स्वीकार करते हैं. वी एक्सेप्ट दैट यस दे डोंट लाइक दिस वे. और हम इसको स्वीकार करते हैं कि वो इस मार्ग को पसंद नहीं करते. दे डोंट एक्सेप्ट दिस वर्ड और दिस प्रिंसिपल और दिस डॉक्ट्रिन. और वो इस वचन को या इस नियम को या शिक्षा को वो पसंद नहीं करते. यस दिस पीपल दे वर्शिप अ डिफरेंट गॉड एंड देयरफॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट इज अराइजिंग. और ये लोग जो है वो एक विभिन्न परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसी कारण से ये संघर्ष जो आता है. वी आर क्विक टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस. और हम तत्काल ही इस अंतर को पहचान लेते हैं. एंड इट इज सो मच आउटवर्ड. और ये बाहरी है इतना अधिक. एंड वी आर एबल टू रेकन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अस एंड दिस दीज पीपल अराउंड. और हम हमारे बीच में और इन लोगों के बीच में ये संघर्ष है, विवाद है, इसको हम देखते हैं. एंड इट्स वेरी ट्रू दैट वी आर एबल टू वेरी इजली एक्सेप्ट दिस कॉन्फ्लिक्ट दिस डिफरेंस without any difficulty. और हम इसको ये बात सच है कि हम इस संघर्ष को एकदम से हम देख लेते हैं बिना किसी कठिनाई के. But when this very conflict gets inside of us, परंतु ये ही संघर्ष जो है ये जब हमारे बीच में आ जाता है, अंदर आ जाता है, the conflict arises from within our lives. तो फिर ये संघर्ष जो है हमारे जीवन के अंदर से ये निकलने लगता है. When this conflict arises in an inward way, और ये फिर एक अंदरूनी रूप से खड़ा होता है, between that which is of God, और उसके बीच में जो कि परमेश्वर का है, and that which is not of God, और उसके बीच में जो परमेश्वर का नहीं है. To put in other words, और दूसरे शब्दों में इसको, when this conflict arises from within, और जब ये अंदर से ये संघर्ष खड़ा होता है, when this conflict arises in an inward way, और जब अंदरूनी रूप से ये उमड़ने लगता है, when this conflict is within us, और जब ये हमारे भीतर होता है, and between that which is of God, और उसके जो के परमेश्वर का है, and that which is of the self, और वो जो के खुद ही का है, it is far more difficult to deal with. तो इसको निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है. It is very difficult to even reckon the conflict. और उसको पहचानना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है. It is far more difficult to deal with. और उसको निकालना भी और अधिक कठिन है. You know, coming back again to this thought, और इस विचार की ओर फिर से आते हुए, when this conflict is outside, और जब ये संघर्ष बाहर है, with those who do not know the Lord, उनके साथ जो प्रभु को और हम नहीं जानते और हमारे बीच में, between us and those who do not walk this way, हमारे बीच में और उनके जो इस मार्ग में नहीं चलते, between us and those who do not relish or do not agree with this doctrine or the truth of God's word, हमारे बीच में और उनके बीच में जो के परमेश्वर के सच्चाई को नहीं लेना चाहते, we quickly recognize the conflict, और हम तत्काल ही इस संघर्ष को पहचान लेते हैं. You know, but when this conflict arises from within, परंतु जब ये संघर्ष हमारे भीतर से खड़ा होता है, that which is between God and that which is not of God, और उसके बीच में जो परमेश्वर का है और उसके बीच में जो परमेश्वर का नहीं है, or that which is of God and that which is of the self, और या जो परमेश्वर का है या वो जो खुद ही का है, it is far more difficult to deal with. तो उसके साथ उसको निकालना, उसके साथ कार्य करना बहुत कठिन है. And this is a great reality that we need to reckon. वास्तविकता है जिसको हमने देखना है. So what am I trying to say to us here? और मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है? So the real conflict that we see today, और जो वास्तविक संघर्ष है जो आज हम देखते हैं, the battle, that conflict, he is in man himself. और वो युद्ध, वो संघर्ष जो है वो मनुष्य के भीतर है. You know, other battles, it's easy to reckon and easy to perceive and understand. और दूसरे संघर्ष जो है युद्ध है, उनको आसानी से देखा जा सकता है और उसको समझा जा सकता है.
But the point is this. परंतु यहाँ पर बिंदु यह है. That realm, वो वातावरण, of this battle is in man himself. इस संघर्ष या युद्ध का वो उसके वातावरण उस मनुष्य के भीतर है. That is where the battle really rages most fiercely. और वहीं पर वो युद्ध जो है बहुत तीव्र हो जाता है. And when this battle arises within us, और जब ये युद्ध हमारे भीतर से उठता है, it is very difficult for us to reckon and accept it. और उसको पहचानना और उसको स्वीकार करना हमारे लिए बहुत कठिन. Because most of the time, क्योंकि अधिकतर समय we do not understand it. हम उसे समझते नहीं हैं. We do not really understand this conflict. और इस संघर्ष को हम वास्तव में समझते नहीं. We find this, और हम उसको देखते हैं. And we do not reckon that this is between that which is of God and that which is not of God. और इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं कि ये उसके बीच में है ये संघर्ष जो परमेश्वर का और जो परमेश्वर का नहीं है इन दो चीजों के बीच है. But if you would be sincere and earnest in the Lord, परंतु यदि आप प्रभु में सच्चे होंगे, and you are serious with this life in Christ, और आप बड़े गंभीर हैं इस जीवन के विषय में जो मसीह का है, then you will reckon one thing, तो तब आप एक चीज को देख पाएंगे. This conflict has been precipitated by the presence of Christ Himself in us. और ये संघर्ष जो है स्वयं मसीह के से हमारे भीतर उठा है. That this conflict has been precipitated by the life of Him or life of the Lord in us. और ये संघर्ष जो उठा है वो उस जीवन से उठा है जो प्रभु का जीवन है और जो हमारे भीतर है. It is the outworking of the law of life in Christ Jesus. और वो व्यवस्था जो मसीह यीशु उस जीवन की है मसीह यीशु में. It is in and through this law of a life in Christ Jesus that this conflict is precipitated. और ये जीवन जो यीशु मसीह में है इसी के द्वारा ये संघर्ष जो है ये उमड़ता है. Yes. So may we realize this in our lives. तो अपने जीवनों में हम इस बात को जान लें. In one way, it is comforting to know that this conflict is precipitated by the presence of this life in us. और एक तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं कि संघर्ष जो है ये इस जीवन के द्वारा उठा है जो हमारे भीतर है. Yes. But most of the time what happens is, परंतु अधिकतर होता क्या है, when this conflict becomes acute in our lives, और जब ये संघर्ष हमारे जीवन में और अधिक हो जाता है, the tempter, the evil one, comes in with his own interpretation of things, और वो दुष्ट तब आता है इसके बीच में और अपनी चीजों के अनुवाद के साथ आता है. He would have us to believe, और वो चाहेगा कि हम विश्वास करें, that everything is wrong with us, कि हर एक चीज हमारे साथ गलत है. That is his interpretation. और ये उसका अनुवाद है. His interpretation that is that everything is wrong with us. और उसका अनुवाद ये है कि हमारे साथ हर एक चीज जो है वो गलत है. And that there is nothing of God at all in our lives. और हमारे जीवनों में परमेश्वर का कुछ भी नहीं है. And how he comes in very cleverly. और किस चतुरताई से वो इसके बीच में आ जाता है. You know, saying that there is nothing of God in you. और ये कहते हुए कि तुम्हारे भीतर परमेश्वर का कुछ भी नहीं है. There's nothing of God. कोई चीज परमेश्वर की तुम्हारे भीतर नहीं है. You know, I have heard this many times from some of us. और हम में से कईयों से हमने कई बार सुना. This is the interpretation of the one who is against the life of Christ in us. और ये अनुवाद उसका है जो कि मसीह का जीवन जो हमारे भीतर है उसका विरोध है. Whereas the fact is this,
और जहाँ के वास्तविकता ये है that we are in this conflict कि हम इस संघर्ष में हैं because there is that which is of God now in us क्योंकि हमारे भीतर कुछ ऐसी चीज है जो परमेश्वर की है and because of that which is of God in it, is in us और इसलिए कि परमेश्वर की कुछ वस्तुएं हमारे भीतर हैं because that which is of the Lord's life is in us और इसलिए कि प्रभु का वो जीवन हमारे भीतर है the conflict has risen और ये संघर्ष या युद्ध जो है वो खड़ा this हुआ है this conflict has risen within वो संघर्ष हमारे भीतर उठा है we ourselves have become the battlefield aur hum apne aap mein hi yuddh ka maidan now turn with me to galatians chapter 5 galatiyon ki pustak aur 5va adhyay and verse 17 aur 17va vachan for the flesh lusteth against the spirit and the spirit against the flesh and these are contrary the one to the other so that ye cannot do the things that ye would galatians 5:17 kyunki sharir atma ke viruddh ichha karta hai aur atma sharir ke viruddh aur ye ek dusre ke viruddh hai taaki tum jo chahte ho wo na karo yes So Paul brings it out very clearly. तो पॉलुस इसको बहुत ही स्पष्टता से बतलाता है. For the desires of the flesh are opposed to the Holy Spirit, and the desires of the Spirit are opposed to the flesh. Godless human nature. For these are antagonistic to each other, and continually withstanding. And in conflict with each other, so that you are not free, but are prevented from doing what you desire to do. So the scripture is very clear that our own very life becomes the battlefield. और वचन बड़ी स्पष्टता से बतलाता है कि हमारा स्वयं का जीवन जो है वो ही युद्ध का मैदान बन जाता है. Yes. Our very life becomes the battlefield. और हमारा स्वयं का जीवन युद्ध का मैदान बन जाता है. Now, what are these two who are at war within us? और ये दो चीजें क्या हैं जो कि हमारे भीतर इस युद्ध में सम्मिलित हैं? And we know it's very elementary. और हम जानते हैं कि ये तो शुरुआती चीजें हैं. That we often say that it is the flesh and the spirit. और जिसको अक्सर हम कहते हैं कि ये शरीर और आत्मा है. Well, that is very true. और ये बात बिल्कुल सच्ची है. And yet, I think we need to see it more clearly in these days. और फिर भी इन दिनों में हमें इसको बहुत ही स्पष्टता से देखना है. That is the desire of God in our lives. और यही परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवनों में. That is the way that we can really come into. To this call and the fulfillment of this call in our lives. और इसी रीति से हम इस बुलाहट में और उसको पूरा करेंगे अपने जीवनों के अंदर इस बुलाहट को. So saying it that it is between the flesh and the spirit, it is an inadequate answer in that way. और यदि हम ये कहें कि ये युद्ध जो है वो शरीर और आत्मा के बीच में है, तो उतना कहना काफी नहीं होगा. You know, it will not really get us to the heart of this matter. तो इस विषय के जो बिंदु है केंद्र बिंदु है उस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे But God wants us to get into the core of this matter. परंतु परमेश्वर चाहता है कि इस विषय के बिल्कुल बीच में केंद्र में हम पहुंच जाएं. It is very important if we are to make it to the end as a people in these days. और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है यदि हम एक लोगों के नाते इस अंत तक पहुंचना चाहते हैं. You know, because God's people have failed in this matter. और इसलिए कि परमेश्वर के लोग इस विषय में विफल हो चुके हैं. For want of discernment in this matter. क्योंकि इस विषय में उनको काफी परख नहीं है. Many of God's people are rendered helpless. और बहुत से परमेश्वर के लोग हैं जो हैं
वो निसहायक हो चुके हैं. दे आर रेंडर्ड इम्पोर्टेंट इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ. और अपने आत्मिक जीवन के अंदर वो क्षमता उनके अंदर बाकी नहीं रही. दे आर इन बिवल्डरमेंट टुडे. और वो एक असमंजस में पड़े हुए हैं. द रीजन इज दैट they could not discern this matter as they ought to. क्योंकि कारण यही है कि जिस प्रकार से इस विषय को उन्होंने परखना चाहिए था वो इसे परख नहीं सके. We need to reckon this saints that our very life is a battlefield. और इस बात को हमें जान लेना है कि हमारा जीवन जो है वो स्वयं में एक युद्ध का मैदान है. Now coming down to this word again. और इस वचन की ओर फिर आते हुए. You know it says at The flesh lusteth against the spirit. और जैसे कि वचन कहता है कि शरीर जो है वो आत्मा का विरोध करता है. Spirit against the flesh. और आत्मा शरीर का विरोध करती है. Now what exactly is this? और वास्तव में ये असल में है क्या? What we read here as flesh. और जिसको हम यहाँ पर शरीर के रूप में पढ़ते हैं. He is talking about the soul. वो हमारे प्राणों को बतलाता है. Yes. Many times when we talk about this. और बहुत सी बार जब हम इसकी चर्चा करते हैं. Many times people talk about the soul and refer it to the old Adam. और बहुत सी बार लोग जो है प्राणों की बात करते हैं और इसका संबंध पुराने आदम से जोड़ देते हैं. But we need to get it little more clearly this morning. परंतु आज सुबह हमें और भी अधिक स्पष्टता से इसको देखना है. For example, the spirit is warring against the soul, in other words. और दूसरे शब्दों में आत्मा जो है वो प्राणों के विरुद्ध लड़ रहा है. And if we don't get it rightly, और यदि इसको सही ढंग से हम नहीं लेते, we would not be able to move on and achieve what God wants us to achieve in our spiritual life. तो हम इस योग्य नहीं होंगे कि हम आगे बढ़े और उन चीजों को प्राप्त करें जो परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में हमें देना चाहता है. Yes. So let's get it very clearly this morning. तो आज सुबह इसको हम बड़ी स्पष्टता से देख ले. When it says the spirit against the soul, it's not that the spirit is going to destroy the soul. और जब हम कहते हैं कि आत्मा प्राणों का विरोध करता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा प्राण को खत्म कर देगा. A couple of weeks we heard a message again on soul. और कुछ सप्ताह पहले हमने प्राणों के ऊपर एक संदेश सुना. Do you remember that? क्या आपको स्मरण है उसका? Yes, no? Forgot, brother. Do you remember we heard a message on soul? क्या आपको स्मरण है कि हमें एक संदेश मिला था प्राणों के ऊपर? Yeah, brother. When the week is over, we forgot. All right. Let's remind ourselves. अपने आप को हम स्मरण कराएं. We heard that the soul in itself is not a wrong thing. और हमने सुना कि प्राण अपने आप में गलत चीज नहीं है. When God created man with a soul. और जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तो उसको इन प्राणों के साथ रचना की. The soul itself is not a wrong thing. और प्राण जो है वो अपने आप में गलत चीज नहीं. It's not wrong to have the soul. और प्राणों को रखना गलती नहीं है. But what is necessary is. परंतु आवश्यक क्या चीज है? This soul has to be one finally. और वो प्राण जो है वो एक होना चाहिए अंत में. One. W-O-N. यानी कि उसको जीतना है. Yes. So if the spirit is working against the soul. और यदि आत्मा जो है वो प्राणों के विरुद्ध कार्य करता है. It doesn't mean it is to finally destroy the soul. और उसका अर्थ ये नहीं है कि प्राणों को बर्बाद कर देने की बात है. This is something we must get to really understand. और ये कुछ ऐसी चीज है जिसको हमने फिर से समझना है. The spirit warring against the soul. और आत्मा जो है वो
प्राणों के विरुद्ध लड़ रहा है. It is not to destroy that soul. और इसलिए नहीं कि उस प्राणों का नाश कर दे. But to win that soul. परंतु उसको जीत ले. And what is that? We will see later on. और वो क्या चीज है उसको हम बाद में देखेंगे. But let's just understand that for today. परंतु इतना आज के लिए हम समझ ले. That soul has to be won. और कि प्राण जो है उनको जीतना है. So we read in Luke chapter 21. और लूका की पुस्तक और 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं. Luke chapter 21. लूका 21 and verse 19 we read like this. और 19वें पद में हम इस प्रकार in your patience possess ye your souls. In your patience possess ye your souls. अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे. Yes. Unite my heart to fear thy name. Unite my heart to fear thy name. I will in thy truth, teach me your way. Teach me your way. You fear thy name. You